फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ आर क्यूब डब्लू एक सब स्पेस डब्लू है R³ का, और यहाँ पर जो डब्लू डिफाइन करा गया है उसमें वो सभी एक्स वाई जेड यानी के एन टपल्स आएंगे जो आर क्यूब को बिलोंग करते हैं सच देट ये तीन इक्वेश को सेटिस्फाई कर रहा है जैसे कि इक्वेशन है टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड इक्वल्स टू जीरो और x प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू जीरो जो तीन इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन है यानी कि होमोजीनियस सिस्टम है तो हमें यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W फाइंड आउट करना है तो डायमेंशन ऑफ W आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये n टपल है जो आर थ्री से आ रहा है यानी कि थ्री माइनस एल आई तो यहाँ पर कितनी एल आई कंडीशन है या, या कितनी एल आई ये हैं यहाँ पर या दूसरे वे में ये समझ सकते हैं आप कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इस सिस्टम का लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितने हैं वो इसकी डायमेंशन होगी और इंडिपेंडेंट सोल्यूशन को हम निकालते हैं एन माइनस आर से जहां पर आर क्या है ये है रैंक और एन क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो इन दो कंसेप्ट को आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस इक, इस प्रॉब्लम के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले मैं सिस्टम लिखूंगा और ये सिस्टम है वन वन माइनस थ्री सबसे पहले मैं आर थ्री को आर वन से रिप्लेस कर दूंगा और इक्विवेलेंट सिस्टम जो होगा वन वन माइनस थ्री 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 माइनस टू और टू टू वन हमें ये इक्विवेलेंट सिस्टम मिल जाते हैं अब इस सिस्टम में मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना होगा ताकि मैं पाइवट पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर पाऊं। तो पहली रो में कोई चेंजेस नहीं सेकेंड को सेकेंड हमारी हो जाएगी जीरो 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 सेवन और क्योंकि हम थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो थ्री थ्री हो जाएगा और जो लास्ट रो है 0, 0, तो आप देख सकते हैं दो रो सेम है तो एक को आप डिलीट कर सकते हैं तो इसकी रैंक टू हो गई है रैंक टू है तो एन माइनस टू एन की वैल्यू थी थ्री तो थ्री माइनस टू यानी कि वन वन इसकी डायमेंशन होगी या आप ये कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि रैंक टू है और ये इम्प्लाई कर रहा है कि इसमें दो एल आई हैं या दो एल आई कंडीशन है और सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया ही था कि रैंक फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा थ्री माइनस एल आई कंडीशन यानी कि टू और यहाँ से हमें वैल्यू वन मिलता है ऑप्शन बी करेक्ट होगा